Your time start now. और बड़ी जोरों शोरों से यहाँ पे पबजी टूर्नामेंट चालू होते हुए सारे प्लेयर यहाँ पे खड़े होते हुए आप देख सकते हो हमारी टीम नंबर सारी एक साथ है। पूरी 25 टीम अपने पास है यहाँ पे देख सकते हो आप ऊपर से हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे सब दूर सारे बंदे यहाँ पे दौड़ शोर से दौड़ते हुए और ये हमारा प्लेन उड़ रहा है यहाँ पे मिल्टा पावर से प्लेन जाता हुआ क्वेरी साइट आधे बंदे मिल्टा पावर उतरते हुए दो तीन टीम मिल्टा पावर उतरते हुए ये सब हमारे बंदे प्लेन में से कूद रहे हैं एक के बाद कूदते जा रहे हैं कुछ बंदे क्वेरी जा रहे हैं कुछ बंदे मिल्टा पावर जा रहे हैं कुछ बंदे मिलिट्री बेस तक भी जा रहे हैं कुछ बंदे पोचिंग ही जाएंगे और कुछ बंदे क्वेरी जाएंगे हमारा इमरान भाई अभी भी प्लेन में बैठे हुए हैं सारे बंदे जाते हुए हैं हमारे नदीम भाई शिवम भाई ये उतरते हुए हैं नोवा सब यहाँ पे घमासांग लड़ाई लड़ते हुए यहाँ पे हम देखा जा देखते हैं आगे से कितनी टीम है या इनके अलावा और कोई नहीं है नदीम भाई की टीम उतरी है सिर्फ हम आपको दूसरी साइड ले चलते हैं आलम भाई की टीम पे यहाँ अभी हाल फिलहाल उतरे हुए हैं इनके आसपास दूर दूर तक कोई टीम नहीं है टीम नंबर वन के कने ले चलते हैं टीम नंबर वन कहाँ उतरती टीम नंबर वन उतरी है स्कूल पे स्कूल के पीछे कंपार्टमेंट में टीम नंबर वन उतर गई है यहाँ पे ये अकेली है इनके अलावा और कोई भी नहीं है यहाँ पे स्कूल पे कोई बंदे नहीं है यहाँ पे सब बंदे सेफ खेलना चाहते हैं यहाँ पे टीम नंबर टू टीम नंबर टू हमारी टीम नंबर टू और टीम नंबर 11 का मुकाबला हो सकता है यहाँ पे ये आए गए हैं मिलिट्री बेस पे इनका आमना सामना मुकाबला हो सकता है ये दोनों टीम वाले आमने सामने हैं एक बंदा टीम नंबर 11 का एक बंदा है टीम नंबर टू का एक बंदा है दो बंदे सामने दो बंदे इस साइड एक बंदा अंदर है यहाँ पे इनको इनकी जगह स्पॉट हो चुकी है ढूंढ रहे हैं टीम नंबर 11 के दो बंदे उस साइड हैं जो अपने साथी को बचाने की कोशिश नहीं करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे यहाँ से वहां तक कोई लड़ाई के आसार नहीं है अभी यहाँ पे टीम नंबर 5 टीम नंबर 16 के बीच में लड़ाई चल रही है यहाँ पे
टीम नंबर 24 के चार ही बंदे समीर भाई, अर्जुन भाई, राजा भाई और नदीम भाई हमारे नए प्लेयर। हम आपको ले चलते हैं टीम नंबर 11 की साइड जो मिलिट्री में है। यहाँ पे लड़ी इनके एक बंदा शायद फंसा हुआ था। टीम नंबर 11 का एक बंदा है यहाँ पे। दूर दूर तक कहीं लड़ाई के आसार नहीं है यहाँ पे। और यहाँ टीम नंबर 11 का एक बंदा डाउन होता हुआ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से शॉट बांधा है ना। टीम नंबर 2 का एक बंदा डाउन कर दिया है यहाँ पे। टीम नंबर 11 का भी एक बंदा डाउन है यहाँ पे। और ये अपने बंद टीम नंबर 2 का एक बंदा पूरा डेड। टीम नंबर 11 का बंदा उनको रिवाइव देते हैं। और ये अपने बंदों का कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, यहाँ से छुप के बैठ गए हैं। के हमने सामने लड़ाई चल रही है यहाँ पे। टीम नंबर 11 के चार ही बंदे साथ में हो गए। टीम नंबर 2 का एक बंदा यहाँ पर अकेला हो गया इन चार बंदों के बीच में। अबे नदीम को फॉलो कर, नदीम हवा में उड़ रहा है बबलू, जल्दी ऑटोमेटिक हवा में उड़ने लग गया है। ऑटोमेटिक उड़ रहा है हवा में। देखो ये भाटा भाटा प्लेयर कौन सा है, ये लोग बोलेंगे भाई ये कौन सी क्रीज है। और इनके पास में यहाँ पे टीम नंबर 8 ये अकेले हैं सिर्फ यहाँ पे। इनकी टीम के अलावा और कोई भी नहीं है। हम आपको ऑफिस मिलिट्री ले चलते हैं टीम नंबर 11 के पास, जहाँ लड़ाई होने के चांस है। टीम नंबर 2 का एक बंदा है टीम नंबर 11 का दो बंदे के बीच में। इनके स्टेज टीम नंबर 2 का एक बंदा छुप माप कोने में बैठा हुआ ना कोई हलचल करते हुए हैं। यहाँ पे टीम नंबर 11 का बंदे उसको घर में घुस के मारेंगे ऐसा लग रहा है। कोई हलचल नहीं होती है यहाँ पे। बड़ी घमासान तरीके से इनको ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। उनको इसकी स्क्वाड जगह मालूम है कि वो बंदा यहीं पे है। ये छुप के बैठे हैं यहाँ पे। टीम नंबर 2 का एक बंदा भागते हुए वहाँ से, इनने बहुत अच्छा फैसला लिया है यहाँ से भागने का। पर ये इनको बहुत डैमेज होते हुए और ये डाउन बहुत बुरी तरीके से ये डाउन हो चुके हैं। और ये ऑलमोस्ट किल हो चुके हैं यहाँ पे। इनके पास में टीम नंबर 2 का एक बंदा बैठा हुआ और ये नहीं देख रहे हैं उसको। ओ, बड़ी बेरहमी से मारा इन्होंने तो इसको। वाह वाह, थोड़ी सी चूक होती तो ये यहाँ पे पूरे डैम हो जाते। अब एयर ड्रॉप आ रहा है, आपको ले चलते हैं टीम नंबर 13 की तरह।
यहाँ पे इनके अलावा और कोई नहीं है, यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। ये ड्रॉप जो गिर रहा है मिलिट्री में टीम नंबर 11 के पास, और ए ड्रॉप कहाँ गिरा है यहाँ पे मिलिट्री में। ए ड्रॉप गिर रहा है यहाँ पे, और हम आपको दिखाते थे AWM में है AUZ लेवल 3 बैक लेवल 3 जेब केट, और यहाँ पे ड्रॉप के पास कोई भी नहीं है, यहाँ पे दूर दूर तक ड्रॉप के पास कोई बंदा नहीं है, कोई आए तो अच्छी लूट मिल सकती है उसको ड्रॉप के पास। टीम नंबर 16 और टीम नंबर 4 के बीच में घमासान लड़ाई होने वाली है आमने सामने। इनके सामने टीम नंबर 4 का एक अकेला बंदा है, टीम नंबर 16 और टीम नंबर 4 आमने सामने है, पर इन दोनों को एक दूसरे के स्पॉट नहीं, स्पॉट जगह नहीं मालूम है। ये किसको देख रहे हैं यहाँ पे, इनके अलावा और कोई बंदा नहीं है यहाँ पे, तो ये देख किसको रहे थे। टीम नंबर 14 का एक बंदा है, यहाँ से सब दौड़ते हैं। नीचे सेल्टर में लूट करते हैं अब। टीम नंबर 13 का यहाँ पे कौन पूरी स्क्वाड खत्म कर चुके हैं यहाँ पे टीम नंबर 13, पूरी स्क्वाड खत्म करी है यहाँ पे। अब देख सकते हैं इनके आसपास कोई भी नहीं है, और एक और एयरड्रॉप आ रहा है। और टीम नंबर 6 से ये बहुत बुरा डैमेज लेते हुए सर्कल का, इनको ऐसा बाहर निकलना पड़ेगा नहीं तो डैमेज वो बहुत बुरा डैमेज होगा सर्कल का। सर्कल बहुत दूर जा चुका है इनके साथ, और ये अपनी स्क्वाड के दो बंदे छोड़ के भागते हुए अच्छा सर्कल के लिए। नाइस, अच्छी स्ट्रेटजी वापरी इन्होंने सर्कल से लिए अपने कुछ बंदों को, और जोन बनता हुआ यहाँ पे टीम नंबर 11 ब्रिज कैंप करते हुए। यहाँ पे टीम नंबर 11 के सारे बंदे ब्रिज कैंपिंग करते हुए यहाँ पे ब्रिज के ऊपर इनके अलावा और कोई भी नहीं है यहाँ पे। टीम नंबर 11 जो है सब जोन में, नोवा के बंदे भी जोन में आते हुए उनको लड़ाई देखने को मिल सकती है। टीम नंबर 10 का एक बंदा आ रहा है बड़ी जोरों से, और ये इनका बहुत बड़ा अच्छी तरीके से डॉच करते हुए इन्होंने रुक गए हैं। ये चार की स्कॉट होते हुए भी एक बंदे को नहीं मार पाए, बहुत बेकार ब्रिज कैंपिंग इनकी। सब बंदे जोन में आगे बढ़ते हुए, टीम नंबर 6 भी जोन में धीरे धीरे लूट करके बढ़ते हुए आगे।
इनके पास टीम नंबर 9 है, टीम नंबर 6 है, इनके आमने सामने लड़ाई हो सकती है। टीम नंबर 6 और टीम नंबर 6, टीम नंबर 6 और ये टीम नंबर 9 है। जिनकी जगह स्पॉट होते हुए, और यहाँ पे एक और एयर ड्रॉप आ रहा है, हम आपको ले चलते हैं एयर ड्रॉप में। हमारे प्लेन में भाई एयर ड्रॉप कहाँ गिराएंगे नहीं मालूम, और इन्होंने एयर ड्रॉप गिराया है। टीम नंबर 13 के बंदे पे शूट होते हैं, और टीम नंबर 24 के बंदे और टीम नंबर 24 का बंदा आमने सामने आते हुए से, इनके लड़ाई बहुत खामाशांग लड़ाई होती। इनको दो ही साइड से डैमेज पड़ रहे हैं यहाँ पे, इनकी अजर भाई, समीर भाई, अर्जुन भाई, और इनकी पूरी स्क्वाड ख़त्म होते हुए, नदीम भाई की पूरी स्क्वाड ख़त्म हो गई। समीर भाई, अजर भाई और नदीम भाई ने इनको बहुत बेरहमी से मारा है। बहुत बुरी तरीके से मारा इनको, इन्होंने सोचा था ब्रिज कैंपिंग करेंगे पर ये कर नहीं पाए। टीम नंबर 11 के कहने हम आपको ले चलते हैं, ये ब्रिज कैंपिंग करके बैठी हुई है, जो आने वाले हर किसी बंदे को दिक्कत देगी। और ये अकेला बंदा दौड़ते हुए, क्या ये बच पाएंगे? टीम नंबर 14 का एक बंदा, इनको हेडशॉट पड़ा है यहाँ पे, ये बहुत बुरा है, एक और डैमेज किए नॉकआउट हो जाएंगे। और ये बहुत अच्छा जोन का कवर लेके तो मतलब पानी में कूद गए। बहुत अच्छा डिफेंस इनका, पर वो पानी बंदे पानी में कूद गए। एक बंदा ऊपर ब्रिज पे है, एक बंदा की अच्छी डिफेंस करते हुए पानी के अंदर है, एक दूसरे के ऊपर ग्रेनेड फेंकते हुए। इनकी कंडीशन है, ये चुप माप बैठे हुए हैं, ओ ये भी पानी में छलांग लगाते हुए यहाँ पे। ये किसको मार रहे हैं? दो ही बंदे पानी में कूद गए हैं, ब्रिज के नीचे कवर लेते हुए यहाँ पे। दोनों ब्रिज के नीचे कवर लेके बाहर निकल गए हैं यहाँ पे बड़ी आसान तरीके से। इन्होंने सोचा होगा जान बची तो लाखों पाए। जोन के बाहर हो चुके हैं ये सब बंदे, घूम फिर के जॉर्ज पुल के ब्रिज पे, मिलिट्री ब्रिज के ब्रिज पे आ रहे हैं यहाँ पे। टीम नंबर 3, टीम नंबर 3 और टीम नंबर 13 का आमना सामना हो सकता है यहाँ। एक गाड़ी इनके पास आ गई है, जो टीम नंबर 1 है। यहाँ पे 3 स्क्वाड है आमने सामने, इन्होंने उसको स्पॉट कर लिया और लगातार शूट करते हुए, पर वो बच के निकलते हुए, और उनको भी यहाँ सामने से हेडशॉट पड़े और वो डाउन हो चुके हैं। गाड़ी लेके भागने की अच्छी कोशिश थी इनकी, पर डाउन हो चुके हैं यहाँ पे टीम नंबर 13 के बंदे। एक टीम से बचे, दूसरी टीम के हाथ मारे गए। ये M24 का शॉट चलाते हुए, कौन चला रहा है भाई? ये M24 के बहुत बढ़िया शॉट चलाते हैं। इनको पाने में बंदे स्पॉट हो गए, टीम नंबर 5 के बंदे पबजी, जो पानी के अंदर डाउन है छुपे हुए।
पानी के अंदर ही ये भागते हुए यहाँ से इनकी स्क्वाड के बंदे के साथ, उन पर से इनको स्पॉट कर लिया गया है। टीम नंबर थ्री अभी फ़िलहाल में कवर लेते हुए अपने बंदे को रिवाइव करके हील करते हुए, और यहाँ पे एक और टीम आते हुए, इन्होंने एक नंबर बंदा डाउन कर दिया इनका। पबजी को बहुत बेकार शॉट पड़ते हुए पानी के अंदर ही। टीम नंबर फाइव के एक अकेले बंदे बचे हुए हैं पबजी, इनको पूरी तरह से सपोर्ट कर लिया है जैसे ही पंद। ओहो टीम नंबर थ्री, इनका मुकाबला हो सकता है हमने सामने, और ये शॉट पड़े हैं शॉट पे शॉट, और दो बंदे डाउन है अपने बहुत अच्छी तरीके से। अमन ठाकुर बहुत आगे अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं पर डाउन हो चुके हैं यहाँ पे। और ये मार किसको रहे हैं ऊपर से भाई, एक ही एम के शॉट पे शॉट, और पूरी टीम स्क्वाड ख़त्म हो गई है यहाँ पे। अपने बंदे को रिवाइव करते हुए यहाँ पे अमन ठाकुर रिवाइव होते हुए, टीम नंबर वन और टीम नंबर फाइव का एक एक बंदा भाग यहाँ से बच के भाग निकल चुका है। ब्रिज कैंपिंग हो रही है, हम आपको ले चलते हैं ब्रिज पे ही, जिस टीम के खासे किल हो चुके हैं यहाँ पे। टीम 25 बंदे बचे हुए हैं अभी भी। ये अच्छा कवर लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे। टीम नंबर सिक्स के बंदे ये मार किसको रहे हैं, टीम नंबर नाइन का एक बंदा डाउन है। टीम नंबर सिक्स ने टीम नंबर नाइन के बंदे को डाउन कर चुका है यहाँ पे। ये टीम नंबर सिक्स के एक बंदे को बहुत डैमेज होते हुए यहाँ पे, इनको यहाँ से निकलना पड़ेगा नहीं तो ये बहुत डैमेज झेलेंगे। अपने बंदे को रिवाइव करेंगे कि जोन लेंगे, ये रिवाइव करने में लग गए हैं अपने बंदे को, इनको पुश करके मार देना चाहिए, जोन ले लेना चाहिए। टीम नंबर सिक्स पूरा कवर लेते हैं यहाँ पे, इन्होंने इनको ठान लिया है लगता कि मार के ही जाएंगे यहाँ से। जोन का डैमेज लेते हुए यहाँ पे, अरे चलते चल गई यार, बंद कर ले यार, रिकॉर्डिंग चल रही है तो कर तो दी। और बहुत बुरी तरह से डाउन करता है टीम नंबर 11 ने एक टीम नंबर 13 का बंदा। और यहाँ पे एक टीम नंबर 13 का एक बंदा डाउन हो चुका है यहाँ पे, धीरे धीरे जोन लेते हुए यहाँ पे। एक बंदा यहाँ पे है ब्रिज पे से आ रहा है, एक बंदा उस साइड है। इनकी स्ट्रेटजी क्या है, इन्होंने जोन का कवर बहुत अच्छे से ले रखा है, और एक और बंदा डाउन कर दिया यहाँ पे इन्होंने। बहुत बुरा डैमेज लेते हुए यहाँ पे, और इस हिसाब से इनको डैमेज पड़ता हुआ तो इनकी पूरी स्क्वाड खत्म हो जाएगी। दो बंदे पूरी तरीके से डाउन है, एक बंदा डाउन है, दो ब्रिज के नीचे, दो उस साइड। टीम नंबर सिक्स इनकी तरफ बड़े जोरों से बढ़ते हुए, और ये टीम नंबर सिक्स बड़ी जोरों से यहाँ से निकलते हुए और भाग गई है यहाँ से टीम नंबर सिक्स। इन दोनों की लड़ाई में बड़ी आसानी से बाहर निकल चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इरफान भाई को बहुत डैमेज होते हुए।
इरफान भाई जोन में आके गिर चुके हैं, उनकी टीम उनको बहुत बुरी तरीके से छोड़ के भाग चुकी है, जिसमें दो बंदे बचे हुए आलम भाई और बॉन्ड। इनके दो बंदे डाउन होने पर ये बचाने नहीं जाते हुए, और ये फिर भी टीम की तरफ ही बढ़ते हुए, इनको ये टीम का मुकाबला करना पड़ सकता है, आमने सामने इनका हो सकता है। इन्होंने स्पॉट कर ली है कि गाड़ी यही है यहाँ पे, पर वापस पलट गए हैं। इनके दो ही बंदे डेड हो चुके हैं। अब इरफान भाई अभी भी जिंदा हैं, जो धीरे धीरे जोन में अपना सामान गिराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि इनकी आदत है। ये भाई डेवन का डैमेज लेते हुए बहुत आगे फुर्ती से बढ़ते हुए यहाँ पे, हमारे बाप जी ये अपनी स्क्वाड से बचते हुए आगे निकल चुके हैं। सब बंदे जोन में आ चुके हैं यहाँ पे। टीम नंबर 14 अभी भी जिंदा है, पूरी तरीके से जोन में सेफ खेल रहे हैं। और मिलिट्री बेस पे जोन बना है यहाँ, दो टीम आमने सामने, अभी भी कुछ टीम जोन के बाहर है। और बहुत बुरी तरीके से लड़ाई चलते हुए यहाँ पे बॉन्ड और आलम भाई। टीम नंबर 6 को थोड़ा बहुत डैमेज लगा है, पर इन्होंने कवर ले लिया बहुत अच्छी तरीके से घर का। थोड़े बंदे यहाँ हैं, थोड़े बंदे यहाँ हैं, थोड़े बंदे मिलिट्री बेस पे हैं। जोन भी बड़ा शानदार बना है यहाँ, दो बंदे यहाँ हैं, दो बंदे नीचे हैं। ये ड्रॉप लेके आने, ड्रॉप लूटने में इनको बहुत बुरा डैमेज झेलना पड़ सकता है। इनको दो तीन शॉट पड़े पर मिस हो चुके हैं। टीम नंबर 6 की तरफ ये बढ़ते हुए, इनको टीम नंबर 6 मार सकती है पर नहीं लगे इनको शॉट। ये कौन डैमेज मार रहा है पीछे, एकर तो नहीं है कोई, नहीं। ये टीम आमने सामने इन दोनों की, इनकी लड़ाई देखने में मजा आएगा। ओहो शिवम भाई, ये अपनी टीम को लेके जोन के बाहर जा रहे हैं क्या? नहीं, आ जाएंगे। ये दो टीम आमने सामने हैं यहाँ पे, इनकी लड़ाई हो सकती है। टीम नंबर 10 और टीम नंबर 6 आमने सामने हैं यहाँ। सब बंदे, दो बंदे ये आमने सामने, इनकी लड़ाई हो सकती है। टीम नंबर 1 का बंदा एक इनके बहुत करीब है, इन दोनों की फाइट हो सकती है, बहुत करीब है, इनको देख नहीं रहे हैं आमने सामने ये दोनों। और ये बहुत बुरे टीम नंबर 5 को टीम नंबर 1 के बंदे ने बहुत बुरी तरह डैमेज करा, सामने ही लेटे हुए थे ये देख नहीं पाए। ये दो बंदे घर में लेटे हुए हैं, दो बंदे मिलिट्री बेस पे हैं। बहुत छोटा जोन बन चुका है और अभी भी 14 बंदे जिंदा हैं। बहुत शानदार गेम है। टीम नंबर 11 का एक बंदा जिंदा है, जिसके पीछे टीम नंबर 12 के 24 के दो बंदे हैं, इनकी लड़ाई हो सकती है। दो बंदे पास में ही है इनके। उन्होंने उसको स्पॉट कर लिया है कि मेरे पीछे से गोली चल रही है। इस टीम के 4 ही बंदे जिंदा और टीम नंबर 11 का एक बंदा है शुरू से अभी तक जिंदा है। 6 किल ले लिए हैं इन्होंने अकेले ने। और यहाँ M24 का शॉट पड़ता हुआ, और अर्जुन भाई ने एक और बंदा डाउन कर दिया है। टीम नंबर 10 का एक बंदा इन्होंने पूरी तरह से डाउन कर दिया है और किल भी कर दिया है। ये हमारे पिछले गेम के टूर्नामेंट के विनर है अर्जुन भाई, टीम नंबर 24 के। इनको एक और बंदा स्पॉट हो गया है,
और ये टीम नंबर खेल के बंदे ख़त्म, पूरे तरीके से डाउन है। इनका एक बंदा वॉच टावर में छुपा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से हमारे सबसे हाई स्किल है अभी इस टीम की। एक बंदे के 5 किल है, ये पूरी स्क्वाड अभी तक जिंदा है। सामने 2 स्क्वाड, ये स्क्वाड भी पूरी जिंदा है, पूरी स्क्वाड ये जोन में सेफ है। शिवम भाई की अकेला टीम नंबर 13 का, टीम नंबर 6, टीम नंबर 10 और टीम नंबर 24 आमने सामने है। इन टीमों की लड़ाई बहुत जोन छोटा होते से ही होगी। वॉच टावर के पास में कवर लेते हुए इनको उनकी जगह स्पॉट है। ओह, हेड शॉट पड़ा इनका समीर भाई का, और बहुत बुरी तरीके से पड़ा। वाह वाह, नाइस हेड शॉट समीर भाई। और ये आगे बढ़ते हुए यहाँ पे इनका मुकाबला हो सकता है। सामने एक टीम छुपी हुई है, अजहर भाई बहुत तेज़ी से उस घर में छुपते हुए, जिसकी घर में आलम भाई और पॉन्ड छुपे हुए हैं, उनको बंदा स्पॉट हो चुका है। और इन्होंने आलम भाई को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करता हुआ, और यहाँ आलम भाई और बॉन्ड पूरी तरीके से ख़त्म। बहुत बुरी तरीके से मारा इनको इन्होंने। हाईलाइट, घर में बहुत देर से छुप के बैठे हुए थे, पर अफसोस टीम नंबर 10 का एक बंदा बहुत देर से छुपा हुआ है। ना इनकी कुछ हलचल है, ना कुछ नहीं है। इनका एक बंदा बाहर डाउन हो गया था, फिर भी ये बचाने नहीं गए। अब टीम नंबर 16 और टीम नंबर 24 के 2 बंदे, टीम नंबर 16 के 3 बंदे। इनकी वाओ फाइट देखने में मजा आएगा, बिना कमेंट्री करे बैठ जाओ। आमने सामने की फाइट होगी यहाँ पे, मैं जोन के बाहर हो गया हूँ। टीम नंबर 10 का बंदा टीम नंबर 24 की टीम को दिक्कत दे सकता है, पीछे से आके धप्पा कर सकता है। ये तो आमने सामने है, जोन की मार दोनों टीम को लगेगी। दोनों टीम जोन के बहुत करीब हैं, इनको उनकी जगह स्पॉट है के सामने है। ये भी घर के बाहर देखते हैं, स्मोक करके बाहर निकलते हैं। यहाँ पे ये सामने की साइड बढ़ रहे हैं, और इनको सामने की साइड से टीम नंबर 16 का सामना करना पड़ सकता है। और टीम नंबर 16 ने 24 के एक बंदे को स्पॉट कर लिया, बहुत टेक टेक टेक, और ये डाउन। टीम नंबर 24 के एक बंदे पूरी तरीके से डाउन हो चुके हैं, और विनर टीम नंबर 1 जिनके 2 किल है सिर्फ पूरे मैच में। एक ही बचा था पूरा टीम वाला, एक ही बचा था बस, कौन सा बोल गई।